जी हाँ, हमारे माता व बहनों, ग्राम पंचायत जजहट सबेला, प्रखंड सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा से मुखिया पद के सुयोग, कर्मठ, सहनशील, लोकप्रिय भावी महिला प्रत्याशी श्रीमती पार्वती देवी, जी हाँ पार्वती देवी, धर्मपत्नी श्री राम नारायण साह, मान्यवर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में ग्राम पंचायत जजहट सवेला से मुखिया पद के लिए भावी प्रत्याशी हूँ। आप सबों के प्यार और आशीर्वाद से पंचायत का विकास एक सेवक के रूप में करूँगा। हमारा लक्ष्य ये है कि जो यहाँ पे मैं वादे करूँगा आप सबों के बीच, वो वादे मैं पूरा करूँगा। चाहे जो भी स्थिति का सामना करना पड़े हमें, मैं जो अपील करूंगा उस वादे को पूरा करूंगा। हमारा पहला लक्ष्य है राजस्व संबंधी सभी प्रकार के कार्य पंचायत भवन में किया जाएगा, जैसे रसीद कटवाना, दाखिल खारिज इत्यादि। नंबर दो, ग्राम पंचायत जजहट सवेला के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति 100% करवाया जाएगा ताकि बच्चे को सही शिक्षा प्राप्त हो सके। जी हाँ, नंबर तीन, पंचायत के जिस टोला में आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण नहीं हुआ है, वहां आंगनवाड़ी भवन का निर्माण करवाया जाएगा। नंबर चार, पंचायत में जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला है, उनको आवास दिया जाएगा। नंबर पांच, बीपीएल परिवार के सदस्य के मृत्यु होने पर कबीर अंत्योष्टि की राशि शीघ्र दी जाएगी। नंबर छह, पंचायत के सभी वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाया जाएगा। नंबर सात, भूमिहीन व्यक्ति को जमीन देकर बसाया जाएगा। नंबर आठ, 2010 से पहले इंदिरा आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास को रिपेयरिंग हेतु 50,000 की राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। नंबर नौ, पंचायत में शवदाह गृह का निर्माण करवाया जाएगा। नंबर 10, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, कन्या विवाह योजना या अन्य किसी भी प्रकार का पारिवारिक लाभ इत्यादि का आवेदन पत्र पंचायत भवन में ही जमा करवाया जाएगा। नंबर 11, प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक बैठक पंचायत भवन में किया जाएगा। पंचायत के सभी प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं जनता के साथ बैठक कर समस्या का निदान किया जाएगा। नंबर 12, ग्राम पंचायत के सभी वृद्ध जनों जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, जैसे विधवा, विकलांग आदि व्यक्ति को 100% पेंशन दिलवाने की कार्रवाई की जाएगी। नंबर 13, पंचायत के सभी टोला बसावटों को सड़क से जोड़ा जाएगा। हर घर तक पक्की गली एवं नाली का निर्माण किया जाएगा। नंबर 14, प्रत्येक किसान के खेत तक पटवन हेतु पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। नंबर 15, पंचायत के सभी मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा और 100% रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। नंबर 16, पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करवाया जाएगा। नंबर 17, पंचायत के सभी वार्डों में स्वच्छता हेतु स्वच्छता प्रबंधन एवं शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। नंबर 18, जल जीवन हरियाली के तहत इच्छुक किसानों को पोखर निर्माण एवं वृक्षारोपण करवाया जाएगा। नंबर 19, कन्या विवाह योजना का लाभ 100% लोगों को दी जाएगी। नंबर 20, पंचायत के सभी व्यक्ति को सोखता का निर्माण एवं सभी पशुपालनों के लिए पशु शेड, बकरी शेड इत्यादि का निर्माण करवाया जाएगा। अंत में इससे कुछ करी को मैं जोड़ना चाहूंगा, ये पार्वती देवी जी का कहना है। पति राम नारायण शाह उर्फ डोमी शाह, जजहट सबेला, पंचायत के महान जनता से कहना चाहती हूँ कि मैं एवं मेरे पति पिछले 21 साल से आप सबों के बीच हर सुख दुख में उपस्थित रही हूँ और यथासंभव मैं आप सबों की सेवा में सदैव तत्पर रही हूँ। इस कालखंड में मुझसे एवं मेरे पति से जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियां हुई होगी, आप अपनी बहू बेटी समझकर मुझे और मेरे पति देव को माफ करेंगे और उम्मीद करती हूं कि आशीर्वाद स्वरूप पंचायत चुनाव में
अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाएंगे, ताकि मैं और मेरे पति देव आप सबों के सेवक बनकर पंचायत का सर्वांगीण विकास कर सकें।